और न ही वो कुछ देख सकता है। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं और बोलते हैं, हम एडजस्ट नहीं करते। और बाहर जो लोग हैं, जो यहाँ नहीं हैं, वो एडजस्ट कर रहे हैं, वो सक्रिय नहीं है। जब तक वो एडजस्ट करते रहेंगे तब तक वो हमारे साथ नहीं आएंगे। उनको अपने साथ लाना है तो उनको भी बताना पड़ेगा कि एडजस्ट करना बंद करिए, सक्रिय होइए। समाज में, देश के सामने तीन पिलर हैं। एक हम लोग हैं राष्ट्रीय समस्या, हमारी वैल्यू, हमारी संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं। दूसरे वो जो उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तीसरे वो जो हमारे खिलाफ है, जो उस समस्या की जड़ है। और उन्होंने इस जड़ को खत्म ना होने देने की प्रयास कर रखा है। उस जड़ को कैसे खत्म करना है ये हमें सोचना होगा। हम अपनी वैल्यू, हम अपनी संस्कृति, हम अपने संस्कार के लिए यहाँ इकट्ठा हुए, लेकिन जो बाहर हैं उनको अभी अपनी वैल्यू, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के बारे में सोचने न देना, ऐसी परिस्थिति जो हमारे पीछे, जो हमारी समस्या है उसके पीछे के जो आधार हैं उन लोगों ने खड़ी कर रखी है, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो टेररिज्म, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो व्यवस्था हो, सभी परिस्थितियों को इस प्रकार से खड़ा कर देना जिससे कि व्यक्ति उसमें से अपने को बाहर ना निकाल पाए। और जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो अपनी वैल्यू, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं सोच सकता। इसलिए वो एडजस्ट कर रहे हैं और हम एक्ट कर रहे हैं। हम जीवित हैं, वो मर गए, वो डेड बॉडी। उन डेड बॉडी में आत्मा डालने का काम हमको करना है। यहां से बाहर जाने के बाद उनको कहना पड़ेगा कि एक छोटी सी छोटी समस्या पर, किसी भी एक विषय पर एक्ट करो, एडजस्ट मत करो। जब तक हम भारतीयों में एक संकोच की एक आदत है, अच्छा वो पुलिस ऑफिसर है, वो सिगरेट पी रहा है, उसको रोकेंगे नहीं, तो वो कैसे कानून को, तो हमको रोकता है वो, हमको कोई दूसरा रोकता है, सिगरेट पी रहा है, क्यों सिगरेट पी रहा है पब्लिक प्लेस पे। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर अगर सिगरेट पी रहा है तो हम उसको इसलिए नहीं रोकेंगे कि वो तो ऑफिसर है, वो हमको उठा के बंद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको अपना वो संकोच खत्म करना पड़ेगा। हमको उस संकोच के प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, उसको बोलना पड़ेगा नहीं आप गलत हो। और ये संकोच इस देश में पैदा होने वाला प्रत्येक नागरिक सबसे पहले इस देश का नौकर है। वो नागरिक नहीं है, वो पुत्र नहीं है, वो नौकर जब देश के लिए अपने दायित्वों को पूरा करेगा तब वो इस देश का पुत्र होगा। विनायक दामोदर सावरकर जन्म हुआ तब नौकर थे, कार्य करके वो इस देश के भरत पुत्र हुए, माँ भारती के पुत्र हुए। तो हम सभी यहाँ पे अभी पुत्र हैं, बाहर जो है वो नौकर है। सर्वेंट को ट्रीट करो, आप सर्वेंट से काम लेना सीखो। आपके घर में अगर खाना ठीक से नहीं बनाता है तो उसको नौकरी से बाहर निकाल देते हो। तो अगर वो ठीक से आपका किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रहा है, राष्ट्र का कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप एडजस्ट करोगे कि बाहर निकालोगे? एक्ट करिए, उसके लिए एक्ट करिए, बाहर जाइए, लोगों को बताइए, अपना संकोच बाहर निकालें, अपने अंदर का डर बाहर निकालें, उस पर एक्ट करना सीखें। पहला बिंदु मेरा ये था। दूसरा, कोई भी काम करना है, बहुत बड़ा देश है, आज़ादी के आंदोलन का सबसे बड़ा जो पहला आंदोलन जो मंगल पांडे ने शुरू किया था वो सिर्फ एक अनुशासन की कमी के कारण से टूट गया, नहीं तो उसी समय हम आज़ाद हो गए होते।
पूरे देश में एक साथ अगर पूरे देश में अगर अंग्रेजों का विरोध हुआ होता तो हमको आजादी 1857 में ही मिल गई, लेकिन उसके बाद आजादी हम बिखरे हुए एक्ट करते हैं। आज कलकत्ता में कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो क्या कोच्ची में भी कोई कार्यक्रम हो रहा है जिससे हम जुड़े हैं? क्या अंडमान में कोई कार्यक्रम हो रहा है जिससे हम जुड़े हैं? क्या लक्षद्वीप में कोई कार्यक्रम हो रहा है जिससे हम जुड़े हैं? हम सभी एक और अनुशासित होकर अगर काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, कितनी भी मेहनत कर लीजिए। तीसरा, संतुष्ट मत होइए। भीमसेन के बारे में कहा जाता है पांडवों में एक भाई कि उनको जब कुछ खाने को दीजिए तब वो खाते थे, कभी भी उनका पेट नहीं भरता था, वो हरदम खाते थे, कभी संतुष्ट नहीं होते थे, इसीलिए ताकत थी और हजारों हाथियों के बराबर ताकत थी जिससे कि वो लड़ते थे, अधर्म का विरोध करते थे। शिक्षा लेने में संतुष्ट मत होइए, एक्ट करने में संतुष्ट मत होइए, सेवा करने में संतुष्ट मत होइए, सभी क्षेत्रों में संतुष्टि हमारे लिए घातक है। एक्ट करिए। और अंतिम जो मैं विषय आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रोत्साहन, मोटिवेशन। देश के सभी क्षेत्रों में छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा व्यक्ति कोई भी काम करता है उसको मोटिवेट करिए। यहाँ बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, हमारी व्यवस्था के लिए खड़े हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनको जाते जाते धन्यवाद, आपने हमारी व्यवस्था की। कोई बाहर पानी पिलाने वाला है, कहीं पे भी कोई भी ऐसा अच्छा काम कर रहा है, छोटा सा बच्चा है, रास्ते में जाते हुए किसी व्यक्ति को सहयोग कर रहा है, किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करा रहे हैं, धन्यवाद देना, मोटिवेट करना, प्रोत्साहन करना ये बहुत आवश्यक है। कोई भी एक व्यक्ति अगर इस प्रोत्साहन को राष्ट्र के लिए, अगर कोई अकेला कहीं कोई एक छोटा सा दिया जल रहा है और उसको प्रोत्साहन और मोटिवेशन हम नहीं करेंगे तो वो लंबा कैसे चल, उसको लंबा चलाना है। हम आज यहाँ पे जितनी भी संख्या में आए हैं, मेरा ये चारों पॉइंट आपके सामने विषय रखने का यही एक है कि हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, और शक्ति को बढ़ाने के लिए हम जीवित लोग अपनी संख्या बढ़ाएं, मरे हुए लोगों में आत्मा डालने का काम हमको करना है। मुझे ऐसा विश्वास है कि यहाँ से जाने के बाद आप सभी उन मरे हुए लोगों में आत्मा डालना, उनको एक्ट करना सिखाएंगे। क्या ऐसा करेंगे आप लोग? मुझे आवाज जरा जोर से आनी चाहिए, सभी लोग करेंगे?